हे एवरीवन, वेलकम टू कैट कंप्यूटर। तो गाइस, हमारा कीबोर्ड ख़राब, इसका एस्की प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा क्योंकि सॉलिडवर्क में एस्की ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके लिए हम लेके आए हैं नया कीबोर्ड और साथ में माउस और कुछ और एसेसरीज भी लेके आए हैं। इसलिए इसको अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले है हमारा एक केबल, यूएसबी टू यूएसबी केबल, जो मैं अपने कूलिंग पैड को पावर सप्लाई के लिए लेके आया था क्योंकि मेरा पुराना केबल खराब हो गया है। तो ये यूएसबी टू यूएसबी केबल है, ठीक है, इसके रखता मैं साइड में। सेकंड है एलबी लिंक वाईफाई यूएसबी अडेप्टर। मेरा वाईफाई यूएसबी अडेप्टर भी काम नहीं कर रहा प्रॉपरली और इंटरनेट कनेक्टिविटी छोड़ दे रहा था बार बार, तो इसके लिए मैं लेके आ गया नया। इसमें 2.4 GHz डबल बैंड है, 5G सपोर्ट करेगा, इससे हम 5G भी चलाएंगे जल्दी। ए राइस का सीडी एंड साथ में इसका एक पिन आएगा, पिन का चलाएगा ए राइस का पिन, जो कि अभी हम सिस्टम में लगाए देने वाले हैं। साइड में रख देते हैं, देखते हैं फिले 1 to 4 पोर्ट यूएसबी पोर्ट्स, मेरे सारे पोर्ट्स भर जाते हैं, मेरे पास पोर्ट कम पड़ता है हमेशा, तो मैं लेके आया हूँ ताकि मैं एक्सटेंड कर सकूँ इधर है सामान लगाने के लिए। इस पोर्ट को खोलते हैं, इसमें से यस की वारंटी भी मेरे को मिली है। ये रहा सर्कुलर पोर्ट, इसकी डिज़ाइन मस्त है, सर्कुलर में है, 1 2 3 4 पोर्ट हो जाएगा एक्सटेंड करने के लिए। एंड मैं इसको यहाँ पे सिस्टम के आगे रख सकता हूँ। ऐसा केबल भी काफ़ी लंबा है, ऐसे पोर्ट्स के केबल बहुत छोटे आते हैं, थोड़े उसको मैं इसका लेने का रीज़न नहीं था कि इसका केबल लंबा है, एक बड़ा केबल चाहिए था सिस्टम से मैं यहाँ तक ला सकूँ नॉर्मली। तो ये इसका पैकेट अब आ रहा है माउस, एंटे का GM320। ओके, यहाँ पे रखा हो गया, इसको मैं खोल ले रहा हूँ। इसकी मैनुअल वारंटी कार्ड, यूजर मैनुअल वारंटी यूज करना पड़ेगा, अब हम वारंटी यूज करेंगे। एंड ये रहा हमारा माउस एंड ई स्पोर्ट्स का T20। इसमें 1 2 3 4 5 एंड इसमें 6 से 7 बटन एक्स्ट्रा दिए हुए हैं, मैंने देखा था 7 एक्स्ट्रा बटन उसके बॉक्स में होना चाहिए, इतने बटन एक्स्ट्रा है। इसमें एक्स्ट्रा कुछ बटन्स दिए गए, इसको हम सॉफ्टवेयर में समथिंग फंक्शंस के लिए असाइन कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 बटन हो जाते हैं, तो समथिंग फंक्शंस के लिए असाइन करेंगे जिससे हम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं। माउस की डिजाइन भी काफ़ी अच्छी है, हाथ पे अच्छा फील भी आ रहा है, इसमें माउस पैड लग के इसको चालू करके देखता हूँ। मैं इसके बारे में ब्रेडेड है, ठीक है, बस आए हुए हैं अभी, जो मैं एक्सटेंशन लेके आया हूँ एक्सटेंशन भी लगा ही नहीं रहा है आपके। एक से डीप होता है,
ये डीपीआई इसके कलर को रिप्रेजेंट करता है कि डीपीआई ज़्यादा है या कम है। इसको साइड में रखते हैं। एंड हमारा फाइनली सबसे मेन चीज़ कीबोर्ड, जिसके लिए ये सब सामान भी आ गया था। मेन तो कीबोर्ड ही था हमारा, बाकी तो वही लेने गए थे तो हम ये सब भी लेके आ गए। क्या मिला है उसको, पंच मिले, स्टिकर 500 रुपीज़ के, इसके अंदर रिडीम कोड भी मिला है, इसमें आप भी रिडीम कर सकते हैं। एक फिर इसका वारंटी कार्ड, ये इसका कीबोर्ड निकाल देता हूँ। एंड जब देखो मैं बाहर बाज में कर देता हूँ, ये रहा फाइनली कीबोर्ड। यस, ये फुल्ली मैकेनिकल कीबोर्ड है ब्लू स्विचेस के साथ, बहुत भारी है और ये काफी है। और इसमें नीचे पैड्स भी दिए हुए हैं जिसे एक्शन करने में काफी अच्छा है। हमें इसे थोड़ा हाइट अप चाहिए होता है। एंड इसको मैं रखता हूँ, एक काफी भारी की बोर्ड है गाइस। एंड इसका केबल भी ऐसे काफी हैवी है, जिसको भी मैं इसे कनेक्ट कर लूंगा जो भी मैं लेके आया हूँ। लाइट मुझे लगी, अच्छा हो गया। अभी मैं माउस दे रहा और डीपीआई से इतना ज्यादा है ना, मुझे कंट्रोल भी नहीं हो रहा, मैं इधर से कर रहा हूँ इधर चला जा रहा है, बहुत ज्यादा डीपीआई है। अभी मेरे को इतनी प्रैक्टिस नहीं है क्योंकि मैं लॉजिटेक का यूज करता था। इसका डीपीआई, क्योंकि इसका डीपीआई इतनी 16,000 समथिंग है, नहीं इसमें तो मेरे को पता ही नहीं इसमें डीपीआई होता है कि नहीं होता है, होता तो होगा। इसका डीपीआई है 12,800 ऑप्टिकल सेंसर इसका है। इसको मैं थोड़ा भी ऐसे मूव कर रहा हूँ, यहाँ से इधर चला, यहाँ से यहाँ तक चला जा रहा है माइनर सा मूव में। इसके लिए मैं इसको चलूँ, अभी मैं इधर कर रहा हूँ तो यहाँ से मेरा अपना हाथ घूमता है, तो हाथ घुमाना पड़ता है यहाँ से इस डिस्प्ले तक ले जाने में, फिर इतना हाथ घुमाना पड़ता है। पर इसमें तो मेरे को ही नहीं पता था कि मैं हाथ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अरे पहुँच भी गया, और ये तो मैं बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी पता नहीं कितने पे है, इसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना, इसको देखेंगे। आगे का कीबोर्ड मस्त है, और भी मस्त आ रही है, कुछ टाइपिंग करते हैं। इसका माउस मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा से बोलूँ तो, मैंने क्या कह दिया, बहुत ज्यादा मैं थोड़ा मूव कर रहा हूँ, मूविंग ज्यादा हो रहा है। इसे क्या होता है, बैक ने फॉरवर्ड, बहुत हाई सेंसिटिव में काम, बट मजा आएगा। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहेगी, बट जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे फंस जाएगा। क्या गया माउस, माउस ही गायब हो जा रहा है इसका तो। अरे मस्त आवाज आ रहा है, मैं मैकेनिकल इसके लेके आया हूँ, इसकी साउंड मस्त होती है। मैं इसको उसका ये मॉडल बहुत ट्रस्टेड मॉडल है, बहुत अच्छा लगेगा। माउस भी देख सकते हैं, ये आगे पीछे 3, 4, 5, 6, 7 आठ बटन है। चलो यार, जब मैं इसको यूज़ करूँगा ना, देखूँगा कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा। मैं डिजाइनिंग के लिए कीबोर्ड ने माउस कैसा है मैं आपको जरूर किसी दूसरे वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि तो अभी तो मैं लाइव, अगर आप कैट शॉप पर यूज़ करते हैं तो आपको एक कीबोर्ड माउस कैसा एक्सपीरियंस कर रहता है। चालू कर दिया, ये बहुत फास्ट मूव कर रहा है मेरे हिसाब से भी तो। अभी इसके सेंसर्स ने सेंसर सेट करूँगा तो मेरे को फायदा, क्योंकि मैं क्लिक मैं थोड़ा हिला तो माउस कुछ ज़्यादा ही आगे चला जाता है। क्या चला गया माउस,
माउस ज्यादा ही जा रहा है। एंड बटन भी बहुत स्मूथ वर्क कर रहा है, माइनस है टच पर वैसे ही प्लस हो जा रहा है। इस काम तो मस्त कर रहा है। एंड जो एक्स्ट्रा बटन है इसमें मैं सोच रहा हूँ कि कुछ फंक्शन सेट कर दूंगा जिससे मेरे को बटन यूज करने में, सॉफ्टवेयर यूज करने में और ज़्यादा अच्छा रहे। तो आज के लिए इतने रखते हैं एंड अब चले मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।